हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एटॉमिक पावर स्टेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर स्टेशन है तारापुर। तारापुर पावर स्टेशन जो है वो है महाराष्ट्र में, और ये यूएसए की मदद से बनाया गया था। और तारापुर सबसे पुराना और सबसे बड़ा पावर स्टेशन बोला जाता है इसे। सेकंड की हम बात करें तो वो है रॉबर्ट बाटा पावर स्टेशन राजस्थान में है, जो कि कनाडा की मदद से बनाया गया था, और ये चंबल नदी के किनारे पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तारापुर और रॉबर्ट बाटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ककरापारा जो है वो गुजरात में है, और इसको बनाया था यूएसएसआर की मदद से। ठीक है, यूएसएसआर ने इसमें मदद की थी बनाने में, और ये पावर स्टेशन ताप्ती नदी के किनारे पर बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलकप्पकम की। कल्पक्कम जो है वो इंडिजीनियस भी कहलाता है, मतलब कल्पक्कम ये पूरा जो इसको बनाने में योगदान रहा है वो पूरा भारत का योगदान है। इसे किसी भी कंट्री की हेल्प से नहीं बनाया गया है, तो इसको हम इंडिजीनियस भी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कल्पक्कम का दूसरा नाम क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी पावर स्टेशन किसकी मदद से बनाया गया था। तो आपको वहाँ बताना होगा कि ये इंडिजीनियस है, ये किसी की मदद से नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट है काइगा पावर स्टेशन कर्नाटक में है, और ये रशिया की मदद से बनाया गया था। फ्रेंड्स, काइगा इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मार्च प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेजडी हो गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत बड़ा मार्च पास प्रोटेस्ट भी किया गया था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंडाकुलम की। कुंडाकुलम पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में है, और ये भी रशिया की मदद से ही बनाया गया है, और ये भी फेमस है मार्च प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि मास प्रोटेस्ट के लिए कौन सा जो पावर स्टेशन है क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर मास प्रोटेस्ट कहाँ की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कायगांव में कुंडाकुलम में मास प्रोटेस्ट की गई थी। एक और है पावर स्टेशन जहाँ पे मास प्रोटेस्ट की गई थी, वो है जयपुर। फ्रेंड, जयपुर में जो पावर स्टेशन है वो अभी प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी बनने से पहले ही वहाँ पर मास प्रोटेस्ट की गई है। और ये जो पावर स्टेशन है ये महाराष्ट्र में है, और ये फ्रांस की मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट है नरोरा का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, और ये गंगा नदी के किनारे पर है, और इसको बनाया गया है यूएसएसआर या फिर और रशिया की मदद से, यूएसएसआर या फिर आप रशिया भी बोल सकते हैं, तो इसकी मदद से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट पावर स्टेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा और सबसे पुराना पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो है तारापुर, और इसकी मदद से बनाया गया था, ये बनाया गया था यूएसए की मदद से, और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रॉबर्ट बाटा कहाँ है, तो रॉबर्ट बाटा है राजस्थान में, जो कि कैनेडा की मदद से बनाया गया था, और ये चंबल नदी के किनारे है। कल्पक्कम ककरापारा जो है वो गुजरात में है, यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था, और ये ताप्ती नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पक्कम की, तो कल्पक्कम है हमारा तमिलनाडु में, और ये इंडिजीनस है, इसको किसी की मदद से नहीं बनाया गया था, इसे इंडिया ने खुद बनाया है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट है काइगा। हमारे यहाँ तीन है, ठीक है, आप याद रखिए मार्च प्रोटेस्ट के लिए तीन एटॉमिक स्टेशन है। फर्स्ट है काइगा, कुंडाकुलम और जयपुर जिसमें प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, जबकि काइगा कुंडाकुलम बन चुके हैं। ठीक है, तो काइगा कहाँ पर है, काइगा है कर्नाटक में, जिसको बनाया है रशिया की मदद से। कुंडाकुलम जो है वो है तमिलनाडु में, और इसको बनाया गया है, इसको भी रशिया की मदद से ही बनाया गया है। जयपुर पावर स्टेशन जो है वो है महाराष्ट्र में, और इसे फ्रांस की मदद से बनाया गया है, ये अभी प्रपोज्ड है, और ये भी मास प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
नरोड़ा पावर स्टेशन, नरोड़ा पावर स्टेशन जो है वो यूपी में है और यूपी के बुलंदशहर जिले में है, और ये गंगा नदी के किनारे पे बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बहुत फेमस है और ये रशिया की मदद से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।